वेल गाइस, तो फाइनली WWE इन द बैंक पेपर व्यू का फॉलोआउट मंडे नाइट रॉ ओवर हो चुका है, जहां पर आज WWE के मंडे नाइट रॉ के एंडिंग के ऊपर हमें यहां पर सेट रॉलिंस डोमिनिक मिस्टीरियो के खिलाफ उनके टाइटल को डिफेंड करते हुए दिखाई देते गए। और गाइस, आज यहां पर रॉ के मेन इवेंट के ऊपर हमें सेट रॉलिंस और डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच में WWE का वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप देखने को मिला, जहां पर वैसे तो आज इस मैच के अंदर रिया रिपली और डेमियन प्रिंस रिंग साइड एरिया पर होते गए, बट गाइस इसके बावजूद भी आज इस मैच के अंदर सेट रॉलिंस और डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच में हमें बैक एंड फोर्थ 9 मिनट का जबरदस्त मैच देखने को मिला, जहां पर आज इस मैच के अंदर डोमिनिक मिस्टीरियो मून सॉल्ट और 619 जैसे मूव का यूज करते गए। तो गाइस, वहीं सेट रॉलिंस इस मैच के अंदर पूरी तरह से कंट्रोल के अंदर होते गए, बट गाइस जब भी इस मैच के अंदर सेट रॉलिंस मैच को जीतने की कोशिश करते गए तो गाइस रिया रिपली डिस्ट्रैक्ट कर देती गए, जिसकी वजह से सेट रॉलिंस नहीं जीत पाते गए। बट गाइस मैच के एंडिंग पर जो होता है वो काफी ज्यादा शॉकिंग होता है, क्योंकि गाइस मैच के एंडिंग के ऊपर सेट रॉलिंस उनका फिनिशर स्टॉर्म हिट करने वाले होते गए, तभी सडनली डेमियन प्रिंस रिंग में आकर सेट रॉलिंस पर चोक स्लैम हिट कर देते गए, जिसके बाद के मैच डिस्क्वालीफाई हो जाता है। बट गाइस मैच के ओवर होने के बाद भी डेमियन प्रिंस और डोमिनिक मिस्टीरियो सेट रॉलिंस पर अटैक करते गए, और गाइस इसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो डेमियन प्रिंस को उनके मनी इन द बैंक को कैश इन करने के लिए कहते गए। बट गाइस यहां पर डेमियन प्रिंस मनी इन द बैंक को कैश इन करते उससे पहले ही फिन बैलर अरिना में अराइव हो जाते गए, और गाइस फिन बैलर यहां पर सेट रॉलिंस पर अटैक कर देते गए, जिसकी वजह से डेमियन प्रिंस मनी इन द बैंक को कैश इन नहीं कर पाते गए। और गाइस यहां पर इसके बाद आज रॉ के एंडिंग के ऊपर हमें डेमियन प्रिंस और फिन बैलर के बीच में आर्गुमेंट देखने को मिल रही होती गए, तभी सडनली सेट रॉलिंस इसी चीज का फायदा उठा के डोमिनिक मिस्टीरियो को हिट करके भाग जाते गए, और गाइस यहां पर फिन बैलर की गलती के वजह से आज यहां पर डोमिनिक मिस्टीरियो पिट जाते गए।